नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 22 तारीख, ये वो तारीख है जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 500 वर्षों के कड़े संघर्षों के बाद भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई गई। यहां तक कि दिवाली के रूप में 22 जनवरी को मनाया गया। आपको बता दें, भगवान रामलला का दर्शन कर श्रद्धालु भावुक भी हो जा रहे हैं, और ऐसे में भगवान से जो मोह माया, जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो भाव भक्ति, उसको देखते हुए सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है। बता दें कि रामलला के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर अब भक्तों को घर बैठे ही रामलला के दर्शन और आरती देखने को मिलेंगे। रामलला के हर दिन सीधे अयोध्या से आरती का लाइव प्रसारण देख सकते हैं भक्त। बता दें, दूरदर्शन नेशनल पर हर दिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या में राम मंदिर से दैनिक आरती का प्रसारण सीधा दूरदर्शन पर होगा। बता दें कि 23 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया। जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया, उसके बाद से भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके बाद से 23 जनवरी को ये मंदिर का दरवाजा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वहीं पर जिसके बाद भक्तों की अगर बात कही जाए तो भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन वहां पे बढ़ती जा रही है। भारी भीड़ देखी जा रही है अयोध्या में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो राम मंदिर परिसर का अधूरा निर्माण साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि 3 मंजिला मंदिर भवन की शेष 2 मंजिलों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जल्द ही 3,500 से अधिक अतिरिक्त श्रमिकों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में कुल 5 शिखर होंगे, इनमें से 3 को प्रतिष्ठित समारोह में पहले तैयार कर लिया जाएगा, और उसके बाद से जिसमें मुख्य शिखर पर यानी कि 161 फीट ऊंचा मुख्य शिखर बनाया गया है और उस पर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। वहीं अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार की बात कही जाए तो उनका कहना है कि मंदिर परिसर के निर्माण के अलावा राम जन्मभूमि के पश्चिमी छोर पर टेढ़ी बाजार से अश्वरी भवन और विभीषण कुंड होते हुए डाक घर तक की सड़कों को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। राम मंदिर के भगवान को आराम देने के लिए हर दिन दोपहर में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। हाल ही की अगर बात कही जाए तो हाल ही में मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन का समय 6:00 बजे के बजाय रात 10 बजे तक कर दिया है। 23 जनवरी से सुबह की पूजा के लिए भगवान को 4:00 बजे जगाया जा रहा था। अब भक्तों को दर्शन की अनुमति देने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अब तक लगभग 75 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, और इसी श्रद्धा और भक्ति और सुमन को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है कि दूरदर्शन पर हर सुबह रोज 6:30 बजे लाइव प्रसारण भगवान रामलला की आरती होगी, जो भक्त घर बैठे ही भगवान राम की आरती आराम से देख सकते हैं। और जितना श्रद्धा भगवान रामलला को लेकर भक्तों के मन में है, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं भक्त, और सबके मन में ये रहता है कि भगवान का मंदिर, चाहे जो भी भगवान हो, जब हम मंदिर में जाएं तो वहां पर भगवान की आरती हमें जरूर मिले। और ऐसा ही करने के लिए सरकार ने जो भक्त नहीं पहुंच पा रहे या फिर जो भक्त पहुंच कर भी आरती में नहीं शामिल हो पा रहे, उन भक्तों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लाई है, जो सीधा प्रसारण लाइव दूरदर्शन पर अब हर रोज भक्त अपने घर बैठे ही सुबह 6:30 बजे भगवान रामलला की आरती देख सकते हैं और भगवान का मनमोहक रूप भी देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।